नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रंजीत टेक्निकल अड्डा पर। दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश बोनोफाइड सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि कैसे हिमाचली बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनाया जाता है और बोनोफाइड सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको फुल लाइव डेमो करके बताऊंगा, तो चलते हैं HP की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर। अब हम टाइप करेंगे www.edistrict.hp.gov.in पर। हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम ये जो सबसे पहले आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं HP गवर्नमेंट कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। इसमें आप देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, बोनोफाइड सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे सारे ही सर्टिफिकेट दिए हुए हैं जिनको हम ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास यूज़र आईडी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओपन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। सो आई होप यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही किया हुआ है। आईडी डालते हैं, इसके बाद पासवर्ड डालते हैं। अब यहाँ पे कैप्चा डालते हैं और सबमिट करते हैं। अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू सर्विस, माय सबमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट एप्लीकेशन है, किसी कारणवश आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट में चली जाती है। यहाँ पे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड का, और यहाँ पे फाइनल पेमेंट फॉर शिमला, यहाँ शिमला की ऑनलाइन सर्विसेज दी हुई हैं, और यहाँ पे वाटर कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दी हुई हैं, एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, बोनोफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, करेक्ट इनकम सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज दी हुई हैं जो आप अपने आप भी ओपन करके देख सकते हैं। हम बोनोफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एप्लीकेशन फॉर बोनोफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। सबसे मेन बात है यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। एक लगेगा रेजिडेंस प्रूफ, दूसरा लेटर और सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रधान और एनी लोकल बॉडी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप सिंपल एक पेज पे प्रधान के द्वारा भी लिखवा सकते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे प्रधान का लिखा हुआ भी चल जाएगा, नहीं तो आप पटवारी से भी लिखवा सकते हैं। आगे हाउ टू अप्लाई, ये मैं आपको बताऊँगा डेमो करके कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 7 रुपीज़, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 10 रुपये ऑनलाइन चार्जेस भी लगेंगे, तो 17 रुपये टोटल फीस लगेगी। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। करना है, ऑप्शन दी हुई है, तीन ऑप्शन में से जो आपको सूटेबल लगता है उस पर क्लिक कीजिए। तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे टाइटल पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने नेम लिखना है, मिडल नेम अगर है किसी का तो लिख सकते हैं, और लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, करंट जो आपको मोबाइल नंबर चल रहा है उसको ऐड करना है। यहाँ पे ईमेल आएगी, मोड ऑफ डिलीवरी, आप किसके द्वारा डिलीवरी चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन ही सेलेक्ट
रखूँगा। यहाँ पे आधार नंबर लिखना है जो आपका है 6 3। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, टू अटैच परिवार रजिस्टर डाटा विद एप्लीकेशन क्लिक हेयर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे अपना परिवार नकल अटैच नहीं करते हैं तो आपको बाद में वो परिवार नकल जो है पटवारी को देना पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही यहाँ पे अपनी परिवार नकल का नंबर ऐड कीजिए। तो इसके लिए आपको अपने परिवार का नकल नंबर जो है पंचायत के सेक्रेटरी से मिल सकता है, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो सर्च भी कर सकते हैं, तो चलिए हम सर्च करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखा हुआ परिवार बाई नेम, परिवार के नेम, मुखिया के नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं, बाई आधार, आधार नंबर से भी, बाई फैमिली नंबर से भी। तो हम फैमिली नंबर से पर क्लिक करते हैं, यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आ गया, एक्चुअली मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ है और भी डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये मेरे परिवार की नकल नंबर जो है दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही आपकी भी सामने निकल के आ सकती है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो है अटैच डिटेल इन्फो एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी परिवार नकल जो अटैच हो चुकी है। इसको आप रिव्यू भी देख सकते हैं, व्यू पे क्लिक कीजिए और ये सामने आ जाएगी। इसके बाद हमें फ़ोटो सेलेक्ट करना है, चूज़ फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जहाँ पे आपने फ़ोटो रखी होगी वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। चलिए हमने सेलेक्ट की, हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पटवार सर्कल आएगा यहाँ पे, उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पटवार सर्कल है तो हमारा ये है। उसके बाद यहाँ पे विलेज सेलेक्ट करेंगे, चलो सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ नीचे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर अगर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर सारा एड्रेस आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट पे लिखा हुआ है रेजिडेंट प्रूफ, तो हम यहाँ से फाइल अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, अगर आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में है तो आप यहाँ से भी ऑटोमेटिकली फैच कर सकते हैं। अब हम बोनोफाइड डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट जो भी अप्लाई किए हुए हैं आज दिन तक, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, और जो आज भी अप्लाई किया उसका भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने आज ये किया तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पेंडिंग शो दिखा रहा है। अब वहाँ तहसीलदार ऑफिस से इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ ऐसे दिखाई देगा। यदि किसी को इस वीडियो से रिलेटेड कोई इंक्वायरी पूछना चाहता है, किसी के मन में डाउट है, तो अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।